तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लिए और इसमें एयरटेल थैंक्स ऐप को सर्च कर लेते हैं। एयरटेल थैंक्स ऐप, एयरटेल थैंक्स ऐप को अब हम सर्च कर देते हैं और देखिए यहाँ पे आ गया और यहाँ से इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे हम अपने बैंक में मुझे डेबिट कार्ड मिलता है इस्तेमाल करने के लिए, वैसे एयरटेल थैंक्स ऐप में भी हमें एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है। तो जैसे आप अपने बैंक का ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जैसे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो, तो उसकी जगह पर आप एयरटेल थैंक्स ऐप का डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका पर्सनल बैंकिंग का डेबिट कार्ड का डिटेल्स नहीं जाएगा किसी को, और आप इस जो एयरटेल थैंक्स ऐप से जो डेबिट कार्ड आपको मिलेगा, आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो ये एयरटेल ने बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी दिया हुआ है, तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, ये ऐप इंस्टॉल हो गया है, और इंस्टॉल हो ही गया है तो अब इसको देखिए, और थोड़ा सा टाइम लग रहा है और ये ओपन कर लेते हैं। इंस्टॉल हो गया है, ओपन करने के बाद ओपन जो भी इसमें हम बताएंगे, इसमें आपको एयरटेल थैंक्स ऐप ओपन करने के लिए आपको एयरटेल का ही नंबर चाहिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी परमिशन मांगेगा हम इसको अलाउ कर देते हैं, इसको भी अलाउ कर देते हैं और लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट करके फिनिश पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा ऐप ओपन हो रहा है और भी परमिशन मांग रहा है, तो हमें इसको भी अलाउ करना पड़ेगा, तो हम इसे भी अलाउ कर देते हैं जो भी परमिशन मांगेगा, और एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने से हमारा ऐप ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए कोने में गेट 40 रुपीज का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे कोने में हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे, जो भी हमारा पहला नाम है, तो हम अपना पहला नाम डाल देते हैं। जो भी हम दिखाएंगे इसमें, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, और उसके बाद हम अपना लास्ट नेम डाल देंगे, जो हमारा लास्ट नाम है, तो हम लास्ट नेम को डाल देते हैं। लास्ट नेम को डालने के बाद हम अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी आपका प्रूफ आईडी में लगा हुआ है, आप वही डेबिट कार्ड का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए डेट ऑफ बर्थ को हमने डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड मांग रहा है, तो हम पिन कोड को डाल देते हैं यहाँ पे। जो भी आप अपना आईडी लगाएंगे, इसमें एक आईडी चाहिए, तो उस आईडी में जो आपका पिन कोड है वही पिन कोड यहाँ पे डालें, और यहाँ पे एक अपना आईडी सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट आईडी में जो वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमने वोटर आई कार्ड सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डाल के और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमें एक पिन जनरेट करने के लिए बोलेगा 4 अंक का, तो हम 4 अंक का एम पिन जनरेट कर लिए कोई भी, और उसी को दोबारा से कन्फर्म पे कर देंगे और उसके बाद डन कर देंगे। इस तरह से हमारा ये 4 पिन क्रिएट हो जाएगा, और इसके बाद हमारे नंबर पे एक ओटीपी आएगा, इसे हम ओटीपी को डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। तो चलिए हमारे नंबर पे ओटीपी आ गया है, देखिए 919231 है, तो चलिए हम इसे डाल देते हैं एक बार, दोबारा से कंफर्म कर लेते हैं ओटीपी 919231। तो हम डाल देते हैं अपना ओटीपी को 9231 और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है, एयरटेल थैंक्स ऐप में हम रजिस्टर हो गए हैं, और यहाँ पे अब एक्सप्लोर को क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद इसमें हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे A to Z, इसमें कोई भी सेटिंग आपसे मिस नहीं होगा, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए कोने में एक आइकॉन बना हुआ है बॉक्स का कोने में, तो हम यहाँ पे 0 रुपीज़ है इसमें अभी, तो हमें पैसा ऐड करके दिखाते हैं आपको। चलिए हमने 200 रुपया ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए हम UPI से करते हैं, आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, तो हमारा फ़ोन पे है, तो हम फ़ोन पे से कर लेते हैं और प्रोसेसिंग में डाल दिए।
और इस तरह से हमारे फोन पे ये डायरेक्ट चला जाएगा, और यहाँ से हम फोन पे में आ गए और यहाँ से सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद हम अपना पिन डालेंगे, और पिन डालने के बाद पैसा देखिए ऑटोमेटिक एयरटेल थैंक्स ऐप में सक्सेसफुली चला गया है। तो इस तरह से देखिए प्रोसेसिंग पेमेंट है, यहाँ पे देखिए 200 रुपया ऐड हो गया है और ये डन भी हो गया, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। तो हम जो भी दिखा रहे हैं हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरह से देखिए ये 200 रुपया आपके सामने मैंने ऐड किया एयरटेल थैंक्स ऐप में। अब चलिए हम आपको रिचार्ज करके दिखाते हैं कि इससे रिचार्ज कैसे होता है। इसके लिए मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपना एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं, जो भी मोबाइल नंबर पे आप रिचार्ज करना चाहते हैं। और उसके बाद जो भी आपको अमाउंट चाहिए, तो कितना का रिचार्ज करना है, तो आप वहाँ से रिचार्ज का सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपको कौन सा रिचार्ज करना है। तो इस तरह से ऑल पैक का ऑप्शन है, ऑल पैक पे आप क्लिक कर लीजिए और आपको पूरा शो डिटेल हो जाएगा। यहाँ से आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं। तो अनलिमिटेड का ऑप्शन है, अनलिमिटेड पैक पे हम क्लिक करेंगे और इसमें जो भी अनलिमिटेड पैक है वो सारा इसमें शो हो जाएगा। तो चलिए हमें तो 149 का रिचार्ज करना है, आपको इसमें से जो सा भी करना है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम 149 का रिचार्ज करके आपको दिखाते हैं, और यहाँ पे एम पिन डाल दिए जो भी हमने उस समय क्रिएट किए थे, और टिक के निशान पे सही किए, और देखिए मेरा रिचार्ज डन हो गया। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने से आप वीडियो को सारे सेटिंग को नहीं समझ पाओगे। तो चलिए हम आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पे का, देखिए अर्न अर्न 4%, आप कोई भी रिचार्ज करके 4% की कमाई कैसे कर सकते हैं। इसके लिए अर्न 4% का ऑप्शन है, तो इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक खाली बॉक्स है, तो इसको हम टिक कर देंगे। टिक करने के बाद एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे। इनरोल नाउ पे क्लिक करते ही हमें ये 4% का ऑफर हमें देखिए मैसेज आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस का, कि हमें कोई भी रिचार्ज करेंगे तो 4% मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये भी ऑफर भी दिखा रहा है कि 40 रुपया कैशबैक नीचे दिखा रहा है ऑफर, और फिर ये 20 रुपया कैशबैक। इस तरह से यहाँ पे जो भी है तो ऑफर है, तो आप यहाँ से इसका डिटेल्स देख सकते हैं। इसमें टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है, तो इसमें और भी कोई टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, तो चलिए हम डिटेल्स पे क्लिक करके देख लेते हैं कि इसमें क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हम 249,598 इतना इतना का रिचार्ज हम करेंगे, इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, तभी हमें 40 रुपया कैश मिलेगा। और इसमें ये भी लिखा हुआ है वैलिड पर यूजर 1 मंथ, मतलब इसमें ये कह रहा है कि आप 1 महीने में ये ऑफर आपको एक ही बार मिलेगा। तो अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से रिचार्ज करके आप ये ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको 40 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। तो चलिए हम सेकेंड ऑफर दिखाते हैं, इसमें भी हम टर्म एंड कंडीशन है, तो डिटेल्स पे क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद देखिए इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, 20 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इसमें 149 का रिचार्ज करते हैं अगर, या 219 का रिचार्ज करते हैं, तो आपको 20 रुपये का कैशबैक मिलता है। इस तरह से आप इसमें 50 रुपये का भी 50% कैशबैक है। इस तरह से 50% कैशबैक के भी हम जो टर्म एंड कंडीशन है उसको हम पढ़ लेंगे। ये पे 40 रुपये तक हमें ज़्यादा से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, 40 रुपये तक अगर एयरटेल यूपीआई से अगर हम ट्रांजेक्शन करेंगे फर्स्ट बार। तो मैं बताते हैं, तो इसको फिलहाल कट कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से बैक कर लेते हैं इसको हम, और बैक करने के बाद एक बार और बैक कर लेते हैं। और यहाँ पे का ऑप्शन है नीचे, तो पे क्लिक करेंगे तो हमें पेमेंट सेटिंग के बारे में बताएगा। इसमें क्या है ऑप्शन कि एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम वॉलेट और अमेजन वॉलेट, इसमें स्पेशल फैसिलिटी दिया है कि अगर आपका अमेजन वॉलेट में भी पैसा रहेगा तब भी आप एयरटेल थैंक्स ऐप को आप यूज कर सकते हैं, या फिर पेटीएम वॉलेट में पैसा रहेगा तब भी आप उससे लिंक करके एयरटेल थैंक्स ऐप को चला सकते हैं। इस तरह से आप तीनों में से किसी में भी पैसा रहेगा तब आप तीनों में से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम बैक कर लेते हैं, और बैक करने के बाद हम आपको दिखाते हैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है। इसमें आप यूपीआई से ट्रांजेक्शन करेंगे तो यूपीआई डिटेल्स मिलेगा, और अगर थैंक्स ऐप से करेंगे तो उसका। फिर गेट हेल्प पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ से इसको डिटेल अपना सर्च करके वो चीज़ आप इंक्वायरी ले सकते हैं, कि आपको जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है वो चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
इस तरह से आप जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो बैक कर लिए और उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे शॉप का ऑप्शन है, आप यहाँ से कोई भी चीज़ का शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे आपको, जैसे आपने कोई भी ऐप को ख़रीदना हो, जैसे प्ले स्टोर से आपने ऐप को ख़रीदना है वैसे ख़रीद सकते हैं। कोई भी वीडियो को, चैनल को, जैसे महीने के लिए खरीदना टेलीविज़न चैनल होता है, आप इसको यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए हम डिस्कवर पे चेक करते हैं और यहाँ से क्या होता है, आप कोई भी वीडियो, फिल्म, ऑडियो, सॉन्ग देख यहाँ पे लाइव आके सुन सकते हैं। कोई भी चैनल पे वीडियो देखना हो तो आप यहाँ से, जैसे यूट्यूब में देखते हैं वैसे यहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हजारों लाखों गाने, सॉन्ग, वीडियो, फिल्म सारे कुछ अवेलेबल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और मोर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को देख सकते हैं कि आपका प्रोफाइल में क्या है नहीं है, इस तरह से सारा कुछ। यहाँ से आप चाहे तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम इसे बैक कर लेते हैं यहाँ से। चलिए हम, मेरा तो सब कुछ सही है तो इसीलिए हम इसको बैक कर लेते हैं। और बैक करने के बाद बैंकिंग का ऑप्शन है तो हम बैंकिंग को क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, तो आप यहाँ से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊँगा नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम आपको इसे बैक कर लेते हैं और सेटिंग के में बताते हैं कि सेटिंग में इसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो सेटिंग में आप पेमेंट नोटिफिकेशन को आप अलाउ डिसअलाउ कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के अनुसार रखना चाहते हैं नोटिफिकेशन, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, चाहते हैं तो अलाउ कर दें नहीं तो डिसअलाउ कर दें, इस तरह से आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो बैक कर लेते हैं और फिर ऐप पर्सनलाइजेशन का दिखाते हैं। इसमें भी आप ऐप लैंग्वेज को अपने मर्जी के अनुसार जो लैंग्वेज रखना चाहते हैं ऐप लैंग्वेज पर क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो लैंग्वेज आपको रखना है वो लैंग्वेज पे टिक करके यहाँ पे नीचे ओके पे क्लिक कर दें, इस तरह से आपका वो लैंग्वेज सेट हो जाएगा। तो चलिए हम इसे बैक कर लेते हैं और इसे भी बैक कर लेते हैं। और तो आप अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी हमने आपको दिखाया है सब कुछ लाइव दिखाया है। अगर वीडियो अच्छी लगे है तो ज़रूर लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।